मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुए। जुल्फे तिरछी निगाहें वरदान की हैं अलग राहें और ये राहें हैं सीरियल देवांशी की। तो कैसे हैं देवांशी के वरदान रियल लाइफ में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सास बहू और बेटियां। जी हाँ, आज हम घर से सत्ता का सफर कर रहे हैं अभिनेता मुदित नैयर के साथ। सीरियल देवांशी के वरदान रियल लाइफ में अकेले मुंबई में रहते हैं। भैया हैं संस्कारी जो सुबह सुबह उठकर करते हैं जॉगिंग, पीते हैं नारियल पानी और घर से सेट तक के सफर में उठाते हैं प्रकृति का मजा। लेकिन सेट पर पहुंचते ही ये बन जाते हैं हरियाणवी बाहुबली वरदान और रोमांस करते हैं देवांशी के साथ। यानी आज हम डे आउट कर रहे हैं मुदित नैयर के साथ, करेंगे उनके घर से सेट तक का सफर, जानेंगे उनकी जिंदगी के राज और उनके साथ बिताएंगे 12 घंटे। तो करते हैं अपने सफर की शुरुआत सुबह सुबह मुदित नैयर के घर पर जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ऐसे लग रहा है कि हमने लिटरली आपको सुबह सुबह उठा ही दिया। आज मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट था, सो आई कैन यू नो मैनेज टू थोड़ा लेट उठना एंड ऑल, सो प्लीज सिट प्लीज सिट। आप लोग बहुत करेक्ट टाइम पे आए हैं, मैं आप ही की वेट कर रहा था, तो अब जॉगिंग के लिए रेडी होते हैं। मुदित हैं इलाहाबाद के रहने वाले जो दिल्ली में पढ़े बड़े हैं लेकिन मुंबई में अकेले बैचलर की लाइफ जीते हैं, लेकिन बेहद संस्कारी लाइफ, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले जाते हैं जॉगिंग करने। तो आज सास बहू और बेटियां उनके साथ मॉर्निंग की शुरुआत कर रहा है इस जॉगिंग के साथ। मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के बाद वो अपनी मॉर्निंग वॉक करते हैं इस नारियल पानी के साथ जो है हेल्दी और टेस्टी। या बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। नारियल पानी आप कभी भी पिए बहुत अच्छी बात होती है, बहुत नेचुरल, आपको इसके अंदर पावर बूस्टर्स होते हैं, तो नारियल पानी तो इज लाइक द बेस्ट ड्रिंक। किसी भी एनर्जी ड्रिंक या एनी डे एरिएटेड ड्रिंक से तो इट रॉक्स। जॉगिंग के बाद घर पर आकर मुदित ने हमें अपना घर दिखाया। वैसे तो वो अकेले रहते हैं लेकिन इनकी घर की सफाई ऐसी कि कौन कहेगा कि यहाँ पर एक बैचलर रहता है। This is my room. This is where I sleep. हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा। ज्यादा से ज्यादा अगर गंदा दिखेगा तो ये चद्दर ऐसे तय नहीं लगी रहती, but that's it. मुझे बीमारी है सफाई की, I have this OCD problem. अगर मेरा सामान अगर वो बॉटल यहाँ पड़ी होगी, आई कैन नॉट स्लीप, इट हैज़ टू बी देयर रात को मेरे बेड के पास, मेरा अलमारी, देयर हैज़ टू बी अ पैटर्न, टी शर्ट्स ऐसे हैं, शर्ट्स ऐसे हैं। इफ़ यू सी हैंगर जितने भी हैं सबके मुंह उधर हैं, एक भी हैंगर आपको ऐसे नहीं दिखेगा बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो ऑल सबका मुंह उधर है, सो इतनी प्रॉब्लम है मेरे को OCD की। सबसे जो फेवरेट है इट्स ऑलवेज अ प्लेन वाइट टी शर्ट and this is my all time favorite color, ये मैं आज पहन के भी चलने वाला हूँ। सो प्लेन बेसिक्स, मेरे को कोई ज़्यादा प्रिंट्स वगैरह नहीं, आई लाइक प्लेन बेसिक्स, तो ये मेरा फेवरेट है। आपको हमेशा मेरे वार्डरोब में प्लेन ज़रूर मिलेंगे। ये है सुनील, हाय सुनील। ये मेरा बहुत ध्यान रखता है, ही इज़ माई कुक। दिस इज़ द हॉल जहाँ पर जनरली कभी मेरे घर में पार्टी या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम सब यहीं चिल करते हैं। दैट्स अ छोटा सा बालकनी, सो या दिस इज़ माई मसाज चेयर। ये मैंने बहुत शौक से ख़रीदी थी और सच बताऊँ तो पिछले 2 साल में 3 बार यूज़ करी है टोटल। अपेरेंटली मेरी ये चेयर पूरी पीछे जाती है एंड इट्स नॉट लाइक अ वाइब्रेटिंग मशीन, इसमें प्रॉपर वो ह्यूमन टच वाली फील आती है, सो इट्स प्रीटी अमेजिंग। सीधा जाती सो जाता हूँ बिकॉज आई जनरली सो टायर्ड आफ्टर वर्क शूट, सो
इसके बाद मुदित तैयार होने चले गए और नहा धोकर सबसे पहले वो करते हैं भगवान की पूजा। इसके बाद होता है उनका लंच और डब्बा तैयार। तो हम लोग सेट पे जाने के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आपको अपने दो फेवरेट लोगों से मिलवा देता हूँ। ये है सुनील, ये मेरे साथ ही रहता है, ये मेरा खाना बनाता है, ये हमारे साथ ड्राइव करते हैं और सेट पे मेरे साथ ही रहते हैं, सेट पे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अब हम सेट पे जाने के लिए तैयार हैं। अरुण जी चलिए। यानी घर से तैयार हो जाते हैं सेट पर जाने के लिए। मुंबई रहते हैं अंधेरी में और इनका सेट है नायिकाओं में। जाने में लगते हैं पूरे 1.5 घंटे। लेकिन ये 1.5 घंटे का सफर बड़ा ही मजेदार है क्योंकि रास्ते में पहाड़ और नदी भी आते हैं। तो चलिए रुककर इस प्रकृति का मजा उठाएं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में। बस इनफ, आई एम वेरी shy। हम लोग अपने सेट के रास्ते पे हैं और एवरी डे आई क्रॉस दिस ब्रिज। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना ट्रैफिक हो जाता है। गेट द फील्स हियर। तुम्हारा सेट अभी और आगे है तो थोड़े से आपको थोड़ा सा हिली एरिया दिखेगा, तो इसी में तसल्ली करनी पड़ती है कि पहाड़ों के आसपास हैं। सास बहू और बेटा के साथ मुदित नैयर का ये सफर जारी है। तो आखिर कैसे दिल्ली का ये पोस्ट ग्रेजुएट लड़का सीरियल्स की दुनिया में आया। मोहित ने अपने करियर की शुरुआत की थी सोनी टीवी के सीरियल अनामिका के साथ। इसके बाद इन्होंने बड़ी देवरानी, मेरी आशिकी जैसे सीरियल्स किए। Okay, I've done two movies also. Very small parts, both were Ajay Devgan stars. So I've been a part of two movies and then I did a show. It was for a good channel, nice. So it was a thriller show. So It was an amazing experience for me. Like I was very fresh, and to see myself and then to understand, to learn where am I going wrong. It was an absolute learning experience. उस time मुझे लगता था कि I'm a good actor. फिर मैंने अपना दूसरा show किया और जब पहले वाले के episodes देखे क्या कर रहे हैं यार, then second वाले show में मुझे लगा now I'm a good actor. अब मैं देवांशी कर रहा हूँ, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट यू कीप लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस। और हाल ही में सीरियल देवांशी में इनकी एंट्री हुई है वरदान के रूप में, जिसकी जिंदगी कुसुम सुंदरी और देवांशी दोनों की जिंदगी से जुड़ी हुई। मोहित बहुत ही शर्मीले हैं और शर्माते शर्माते ही उन्होंने बताया कि वो सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। वैसे कभी 12 सालों से मोदी टीवी की दुनिया में हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं अपनी रियल लाइफ देवांशी। बातें करते करते हम पहुंच गए रामदेव स्टूडियो यानी मुंबई नायगांव में सीरियल देवांशी का सेट। तो सीधा चलते हैं मुदित के मेकअप रूम में, जहां पर वो मुदित से बन जाएंगे हरियाणवी वरदान। वैसे खास बात है कि मुदित अपना मेकअप खुद ही करते हैं। मेकअप कैप करके आज मुदित ने पहनी है ये ब्लू वाली ड्रेस, क्योंकि आज उन्हें देवांशी के साथ ये क्यूट सा सीन देना है। वैसे वरदान और देवांशी की जोड़ी बड़ी ही क्यूट है और आज देखिए इन जोड़ी का ये खास नच वाली सीक्वेंस। इसकी जाएगी नहीं कहीं से। भाई हेली शाह को आपने स्वरागिरी में देखा है, लेकिन देवांशी में मुदित के साथ बन गई है उनकी जोड़ी। तो रियल लाइफ में कैसी है उनकी केमिस्ट्री? मेरा रूम साफ नहीं है, मेरा रूम साफ। ये जहाँ शूट करती है शी मेक श्योर सब साफ हो वहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो चुप हूँ, ना उधर ना इधर। बहुत बुरे लगते हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है काम करने में।
बहुत ज़्यादा इरिटेट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा और क्या बुराई करूँ बदतमीज है, रूड है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत रूड है मैंने जो बोला उसमें से सब कुछ गलत है, बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और एक अच्छे को एक्टर में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बिल्कुल है इसमें। हंसते बहुत है हम लोग, एक दूसरे की शक्ल देखते ही हंसी आ जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आती है, और यूनिट थोड़ा इरिटेट होने लगता है कभी कभी, नहीं थोड़ा थोड़ा। शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का, तो देखते हैं कि हमारे संस्कारी मुदित आज लंच में क्या लेकर आए हैं। वैसे मुदित वेजिटेरियन हैं और बहुत ही सिंपल खाना प्रेफर करते हैं, तो देखते हैं उनके डब्बे में आज क्या है और किसके साथ वो करते हैं अपना लंच। सो हमारे सेट पे ब्रेक हो गया है और अब लंच का समय हो गया है और हम लोग लंच करेंगे। ये है हमारे चाचा जी, हाउ आर यू। सबसे पहले यहाँ पर जब भी लीप हुआ उसे सबसे पहले मेरी उससे दोस्ती हुई है, सबसे पहला मैं दोस्त बना, राइट? अग्री, ट्रू। मैं वैसे हर किसी का दोस्त हूँ ऐसे तो, यहाँ पर हर कोई। ये हमारे सेट के कृष्ण का नहीं है बाय द वे, एवरीबॉडी लाइक्स हिम। आज एक्चुअली मैं बहुत प्लेन खाना लाया हूँ, मेरे को ना बहुत ही लाइट सा कुछ खाने का मन था, सो आई बॉट लौकी एंड आई वेंट फॉर दाल एंड ब्राउन राइस। जनरली मैं ब्राउन राइस तो रोज़ लाता ही हूँ, साथ में चिकन होता है या कुछ ना कुछ हैवी ही होता है, बट टुडे आई रियली वॉन्टेड टू ईट वेरी लिटिल एंड वेरी लाइट। सो ब्राउन राइस, पतली सी दाल एंड लौकी, लाइटेस्ट फूड, बीमारों का खाना। सो या नॉट, दिस इज नॉट द बीमारों का, दिस इज बेस्ट। अपेरेंटली लोग ऐसा कहते हैं कि लौकी जो है मैन काइंड ऑफ, यू नो, हाँ, ये इंसान के लिए खाना है ऐसा बोल सकते। लंच के बाद थोड़ी और शूटिंग और इसके साथ कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला और कब 12 घंटे खत्म हो गए, यानी अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। सो इट वाज अ गुड डे, अच्छा दिन था और मज़ा आया आपके साथ, आपके चक्कर में थोड़ा पुल पे रुक के थोड़ा नेचर का भी व्यू लिया। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डे, इंटरेस्टिंग डे, आई होप आप लोग को मजा आएगा। तो उम्मीद है मुदित नैयर के साथ पूरा दिन बिताकर आपको देवांशी के वरदान के बारे में वो बातें पता चली होंगी जो शायद आपको इंटरनेट और सीरियल में नहीं पता चलेंगी। वो बताता है सिर्फ और सिर्फ आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां, जहां पर सितारे होते हैं अनप्लग्ड। कीप लविंग अस एंड कीप गिविंग अस योर फीडबैक। ओके, थैंक यू। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।